चलें जी, हम यहाँ से अब जबरी रोड चिटी रोड से जो है ना वापस जा रहे हैं, और हमने जो है रूट लेना है तलहाड़। अगर आपने तलहाड़ वाला रूट अगर आपने हमारा वीलॉग देखा हो, जिस रास्ते से हम लोग नीचे उतर के जबरी रोड जबरी पे आए थे, जीटी रोड जबरी पे, अब उसी रास्ते से हम लोग निकलेंगे और वापस तलहाड़ से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد. well थोड़ा सा ये गंदा ट्रैक है, देखो सारी इस पर डस्ट है, लेकिन आगे एक पॉइंट है, एक मोड़ आता है टर्न, जहाँ से हमने तलहाड़ वाले ट्रैक की तरफ मुड़ना है. और वो जो तलहाड़ वाला ट्रैक है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना एक किस्म का वो रिडल है हमारे लिए, बिकॉज उसमें बहुत सारी जगह हैं जहाँ से लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. मुर्तजा मे बी कि हमें पहुँचते पहुँचते रात हो जाए. या वी हैव टाइम अभी, क्योंकि दो बज रहे हैं ना, तो स्टिल वी हैव टाइम. फोर आवर्स हैं हमारे पास मगरिब तक. एग्जैक्टली, सो वी हैव अ 4 hours ऑफ डे लाइट रिमेनिंग. होपफुली के वी विल मेक इट. वर्क इन प्रोग्रेस. हाँ थोड़ा है फासला था उसका, बी केयरफुल. बताना श्योर वो जगह नीचे करके थी और मार्केट थी उधर, ये नहीं था ये. अभी जिस तरह हम ऊंचाई पे हैं, देखो राइट साइड पे आप देखो, ये ऊंचाई है. अभी ये समझ नहीं आ रही आगे शायद हमें उतरना है, फिर वो जगह आएगी या पीछे हम छोड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रही. नहीं पीछे वैसे देखते तो हम सही आ रहे हैं. हाँ तो अभी हम जो है ना वी आर स्टक बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क नहीं है और मैप सही काम. आगे चलते हैं ना, देखते हैं आगे. आओ आगे आओ. अच्छा ऐसा करते हैं ना हम मैक्सिमम 2 किलोमीटर तक देखते हैं, ठीक है. आगे मतलब किसी से पूछ भी लेंगे. ये जी बशारत किराना स्टोर इस खुदाई से हमने वो कर लिया. हाँ हाँ. सो यहाँ से हमने मुड़ना था वैसे बशारत किराना स्टोर. जी जी एग्जैक्टली, वो हमें वहाँ से फील हो गया. तो आ जाओ अदनान. सो ये रास्ता जनाब तलहाड़ की ऑफ रोडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है. चलें वाटर स्ट्रीम पे. हाँ, आगे रुकेंगे. हाँ, लेकिन मुझे वाटर स्ट्रीम में पानी नज़र नहीं आया, ऊपर से प्लेन रास्ता था, एक कतरा पानी का नज़र नहीं आया. बस वो ये हम सही जा रहे हैं ना. हाँ ठीक है, यही जी सही जा रहे हैं. बिल्कुल ड्राइड है ना. है बिल्कुल पानी नहीं है. लास्ट टाइम जब आए थे अच्छे खासे यहाँ पे अच्छा खासा पानी था यार, ऑलमोस्ट ही सारी जगह फिल हुई भी थी. यस इसे निकलो आगे, निकल सकते हैं. ओए ये रास्ता था इधर से ऊपर चढ़ने का, क्योंकि ये हमें आगे तक तंग करेगा. नहीं छोड़ें, निकले 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 मुर्तजा. वी डिड इट. बट हमारा साथी जो पीछे रह गए पीछे रह गया वो. यार नहीं वो भी निकल आया, उसको भी रास्ता दे दिया उसने. ओके पक्का रोड स्टार्ट हो गया. यस नाउ वी आर असेंडिंग. पहले हमने डिसेंड किया था और अब हम असेंड कर रहे हैं, बट ज़रा स्टीपनेस जो है वो ज़्यादा है और पानी कहीं कहीं से आ रहा है यार. अच्छा हाँ, ये आपको रोड पे नज़र नहीं आया? नहीं, ये सारे रोड पे पानी था ना. हमारी बाइक सब ऑफ रोडिंग की ना आधी हो गई है. देख चढ़ाई फील ही नहीं कर रही यार. हाँ, ये पता ही नहीं चल रहा है. कहाँ से जा रही है बाइक?
बल्कि थोड़ा सा रेस घुमाओ तो बाइक उछलती है। ये बाइक इधर ही लगाएंगे ऐसे, देखिए यहाँ पे बस। अब यहाँ पे हम जो है ना 15-20 मिनट की रिलैक्सिंग, इसको बोले सीधा करके लगाए, बाइक सीधी लगाए लड़के। आई थिंक 2:30 हो चुके हैं, 45 मिनट हमें हो गए हैं राइड करते हुए, एंड फाइनली वी गॉट द वाटर स्ट्रीम। हीरा पानी, पानी साफ ही है बिकॉज पत्थरों से आ रहा है पहाड़ों से, तो और यहाँ से ये गिर भी रहा है, तो वी कैन ड्रिंक इट और वी कैन वॉश द फ्रूट्स। सो इन भाइयों ने हमें बताया है कि ये वाला जो ट्रैक है ये भी तलहाड़ जा रहा है। लास्ट टाइम हमने ये वाला ट्रैक कवर किया था जो कि तलहाड़ से हम खानपुर तक आए थे, सो अभी हमने वापस इधर से ही जाना था, बट अभी हमें क्लू मिला है कि ये ट्रैक भी उधर ही जाता है, सो हम इस ट्रैक को अब ट्राई करने लगे हैं। ये हमारे भाई धो रहे हैं फ्रूट अंदर। हाँ डाल दें, डालने को मसला नहीं है, साफ है। यहाँ पे पार्टी होने लगी है, सो 3 बज चुके हैं, सो रेस्ट हमने कर ली थोड़ी, वहाँ पे सोया हुआ था मैं उस जगह पे। लोकल्स ने हमें यही बताया कि आगे करवाई गांव है एक, वहाँ तक ये रास्ता जाता है, उसके बाद ये तलहाड़ की तरफ ही निकलेगा। जो दूसरा ट्रैक था वो भी तलहाड़ के ये है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा था और ये थोड़ा सा शॉर्ट है, और ये न्यू था, सो वी पिक्ड इट अप कि चलें आज इसी को ही ट्राई करते हैं, समथिंग न्यू। सामने घर जो है नजर आ रहे हैं ऊपर, मुर्तजा कनेक्टेड नहीं है शायद, उसने डिवाइस ऑन नहीं की इंटरकॉम डिवाइस, इसलिए उसकी आवाज़ नहीं आ रही। आज मैं बहुत स्लो चला रहा हूँ, आपने भी नोट किया होगा, इससे पिछले वाले पार्ट में भी आपने देखा होगा, पार्ट 1 में जो कि हम आए थे कोट जिन्नान से जो है कैंथला एंड खानपुर डैम, उसमें भी बहुत मैं स्लो राइड कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि ऑफ रोडिंग में मैंने कभी स्लो राइड नहीं की, लेकिन आज मैं बड़े सुकून से जो है आप देख ले, अभी भी मैं कोई थ्रॉटल नहीं दे रहा और बड़े सुकून से मैं टाइगर को लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो आज जरा टाइगर को थोड़ा थोड़ा जो है ना थोड़ी तकलीफ़ देते हैं पत्थरों से, आज थोड़ा बचा के इसको जो है ना लेके जाते हैं। सो ये हम गांव के पास आ गए, ओह माय गुडनेस लुक एट दैट वाइट ट्री यार, सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत फूल है यार इस दरख्त के ऊपर। चले निकले, चले जी यहाँ से आगे। मुर्तजा मैं अभी बता रहा था कि ऑफ रोडिंग पे मैंने इतनी स्लो बाइक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं चलाई जितनी मैं आज चला रहा हूँ। ये देखे चढ़ाई पे भी मैं बिल्कुल टाइगर को आराम से लेके जा रहा हूँ, मैंने कहा आज तकलीफ़ नहीं देनी बाइक को, पर आराम से चल ही रहा है ना बाइक, आराम से। अब हमारी बाइक जो है आदी हो गई ऑफ रोडिंग की, जिस तरह की हार्ड कोर ऑफ रोडिंग हम करते हैं ना, सो वाई बी आर पे मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं किया आज तक। एग्जैक्टली इवन YouTube में अगर आप ऑफ रोडिंग ऑन YBR सर्च करो तो मेरी वीडियोस आती हैं, सीरियसली। गिरा तो नहीं है, नजर तो नहीं है यार, फील हुआ मुझे कुछ। कोई बात नहीं यार, गिरी हुई चीजें नहीं उठाते, बचपन में सिखाया नहीं था आपको? नहीं, अपनी चीज कोई गिर जाए तो वो तो उठानी चाहिए। सही द डिश
लगी हुई है, सारे डिश लोगों ने डिश वगैरह लगाए हुए हैं। यस, और कितना मजे का ट्रैक ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। लुक एट द वैलीज यार, वैली बहुत खूबसूरत है। पता है ये लोग कितनी खूबसूरत जगह पे रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। एडवेंचर फिर करना है तो फिर हाँ जी ऐसे ही करना है। मैंने लास्ट टाइम इंस्टा पे पोस्ट की थी और उसमें मैंने लिखा था कि भाई इफ़ यू वांट टू राइड विद मी यू हैव टू बी एन हार्डकोर राइडर। यस, तो दो राइडर तैयार करनी है। मुर्तजा आप काफ़ी पुराना हो गया मेरे साथ और अदनान भी जो है काफ़ी ट्रेंड हो गया है मुर्तजा। इसका तीसरा टूर है और एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हमारे साथ। एग्जैक्टली। और मैं ये कॉन्टीन्यूसली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। व्लॉग थोड़ा लंबा होगा बट क्योंकि नया रास्ता है तो मैं जितना मैक्सिमम दिखा सकता हूँ मैं दिखाऊंगा। यार यहाँ से कंफ्यूजन हो रही है। व्हाई? स्ट्रेट जाना है हमने? ना हमने ऊपर जाना है। अच्छा वो बंदा जा रहा है, ठीक है। ऊपर जाना है। अच्छा आगे मुझे लग रहा है रास्ता ये अजीब सा लग रहा है यार, ये बहुत ही बुरी हालत हुई है इस ट्रैक की। तो उस टाइम भी यही था ना? नहीं, हमारे ये रास्ता मेरे ख्याल से नहीं है यहाँ पे। नमार नहीं, हम गलत आ गए, हमें वो आगे जाना है। किधर? सॉरी हमने वो आगे जाना है, वो लेफ्ट साइड पे पीछे करके देखे ना, वो एक अच्छा, रोड हाँ, है। वो ऊपर जा रही है रोड, ठीक है वो रोड है, ये हम गलत आ गए। चलें, इट्स ओके। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ एडवेंचर मैन। नहीं ठीक है, अब कौन सा इतना ज्यादा आगे चले गए। देखिये मैंने अपना टैग लाइन रखी हुई है चैनल की, अपना स्लोगन रखा हुआ है ट्रैवल वांडर एक्सप्लोर। Yes. We are traveling, we are wandering in the jungle and we are exploring the new trails. Exactly. ये पानी बीच में चश्मे है। हाँ ये। आराम से बिल्कुल स्मूथली आने दे। तो मतलब अभी हम उस ट्रेल पे नहीं पहुंचे। अच्छा ये वो नहीं था। ये वो जगह है जहाँ से सब ने बाइक्स गुजारे थे और हमने कहा था एक नीचे भी रास्ता जा रहा है, याद है? जब सबका भाई मुझे मिल गया। एक मिनट मुर्तजा, अस्सलाम वालेकुम। ये रास्ता सीधा जा रहा है ना? जी जी, वो वहां से पीछे मुड़ जाना, ऊपर आगे जाएंगे तो वो नीचे ही पहुंच जाएंगे उधर ही। हां मार, ये हम लास्ट इधर से आए थे मार, ये जहां पे सबके बाइक फंसे थे, ये याद है? अच्छा हम लास्ट, अच्छा लास्ट टाइम हम इधर से आए थे। क्या नाम है आपका? बाबर। चले थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक अंकल भी नीचे मिले थे, उन्होंने भी काफ़ी इसरार किया, हमने कहा नहीं अब टाइम कम है तो हम निकलेंगे वापस। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। सो गाइस लास्ट टाइम हम इधर से आए थे और मैं वीडियो लगा दूंगा, यहाँ से हम बाइक्स गुजार रहे थे, आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, और उस टाइम हम सीधे गए थे। अभी भी हमने सीधा ही जाना है बट लोकल्स हमें बता रहे हैं, बाबर इनका नाम था तो ये भैया बता रहे हैं कि थोड़ा सा आगे जाके। मुर्तजा वो आपने जीप देखी है गाड़ी जो बता रहे हैं? सामने नजर आ रही थी। अच्छा तो उधर से ऊपर जाना है, नीचे हाँ। जाएंगे तो हम सेम एग्जैक्टली वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां हम अभी चले हैं जहां से। सो ऊपर हम जाएंगे ऊपर। कितना खूबसूरत है ये रास्ता मुर्तजा। हाँ, ये रास्ता उस दिन भी स्पीडें लगाई थी। ये तो नहीं कह रहा था। हाँ ये वेल ये है वो रास्ता जहाँ से हमने जाना है। नया रास्ता स्टार्ट हो गया जनाब नया। अब देखते हैं ये तलहाड़ कहाँ जाता है, मुझे कुछ आइडिया तो नहीं हो रहा, हालांकि मैंने तलहाड़ को भी अच्छा एक्सप्लोर किया हुआ है। नहीं ये रास्ता नया है ना, वो कह रहे थे कि ये तलहाड़ की एक साइड हमने वो पक्के रोड वाली थी ना, ये कोई और साइड होगी रोड की। चलें लेट्स सी। हाँ चलें चलें जनाब इस रास्ते पे थोड़ा सा आगे जाके फिर दोबारा आपको मिलते हैं, नहीं तो व्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आपको एक घंटे की मूवी तो नहीं दिखानी ना। हाँ चलें मिलते हैं आपको। सो एक ही टर्न लेने के बाद हम आ गए ऊपर ऊपर ऊपर। ओह माय गॉड, सामने वो मागला रिच ट्रेल नज़र आ रहा है। अब से थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ जनाब ICC का नया ग्राउंड जहाँ पे अभी नेक्स्ट वर्ल्ड T20 होना है। तो ये है वो ग्राउंड जहाँ पे ICC अपना जो है, क्या बात है यार, पिच सही सीमेंट वाली बनाई हुई है। हाँ प्रॉपर एक जगह बनाई है।
तो फिर हम ठीक जा रहे हैं ना, अगर सामने वो रिच ट्रेल है तो हम हाँ, वी आर डिसेंडिंग नाउ। अब हमने डिसेंड करना है सारा, ठीक है, इस ग्रेवल के ऊपर हमने डिसेंड करना है और हम नीचे तलहाड़ वैली में जा उतरेंगे। अब एग्जैक्टली कहाँ पे उतरते हैं, ये एक नया है वो, लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचेंगे तो मुझे समझ आ जाएगी, बिकॉज मैंने रास्ते सारे देखे हुए हैं। लेकिन यहाँ से आइडिया लगाना, कोई भी आइडिया देना कि कौन सी जगह की तो दैट वोंट बी सूटेबल। वो तो स्टॉप से हम आए उतरते हुए डिसेंड करते करते और ये अब यहाँ पे पहुंचे हम। यार प्रॉपर येलो है यार, चेक करिए अंदर तक येलो है स्टोन। हाँ कलर ही येलो है इसका, ये चेक कर। और ये काफी स्लिपरी है पता है। हाँ जी, ये काफी पानी पड़ा तो ये बहुत ज्यादा स्लिपरी होगा। ये चेक करना, ये प्रॉपर पूरा अंदर, इसकी अंदर तक जो है ना वो येलो है। yes. ये अंदर तक येलो है, ये अंदर वाली साइड पूरी येलो है। एग्जैक्टली, काफी सारा नीचे आ गए हैं। वो रही मार्गला हिल्स, हम बीइंग क्यूरियस कि यार ये कहाँ पे निकलेगा, कहाँ पे निकलेगा, क्योंकि मैं काफी मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है ना ये एरिया। अच्छा, तो मेरी जहन में क्यों ये ट्रैक नहीं पड़ा। नहीं तो ये अच्छा है ना यार, हमने ये वाला ट्रैक कर लिया ना, अब पता चल जाएगा ना। बहुत ज्यादा जो है ना एक्सप्लोर की है इनटू न्यू प्लेसेस, मतलब देखो ना किस ट्रैक से शुरू किया, कहाँ से टर्न करते 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 और यू नो। जी बिल्कुल, इट्स अ बिग अचीवमेंट। हाँ डेफिनेटली इट इज। वेल आप जो है कोई आसार नजर आ रहे हैं कि हम तलहाड़ में जो है डिसेंड कर चुके हैं ऑलमोस्ट, बट ये अभी हैं उतराई जो है ना। ये राइट साइड पे जो विलेज है ये कौन सा है? ये तलहाड़ है ना। अच्छा तलहाड़ विलेज है, सारा तलहाड़ है। ओके, फर्स्ट गियर में आ जाना, यहाँ से बहुत खतरनाक उतराई है। और फ्रंट ब्रेक का सहारा लेके, क्योंकि रियर टायर निकल जाएगा। क्लच बिल्कुल ना दबाना, क्लच नहीं दबाना बिल्कुल भी। ओह माय गॉड, आई हिट अ बंच थॉर्न्स थे उसके ऊपर यार, लग गया हाथ पे सीधे, ध्यान से रगड़ दिया। ये ऑलमोस्ट हम नीचे आ गए हैं, फिर ऊपर चढ़ाई है ना। हाँ हम ग्राउंड लेवल पे हैं बिल्कुल। वेल वी हैव कम्प्लीटली डिसेंडेड ऑन टू तलहाड़ वैली। वो सामने पक्की रोड आ गई, एंड बिलीव मी मुझे समझ आ गई। पहली बार हम यहाँ से राइट गए थे, यहाँ से हम लोग राइट चले गए थे ऊपर की तरफ और वो पक्का रोड है सारा कंक्रीट का, और आगे प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है और वहाँ से फिर वो एग्जैक्टली ये हम राइट गए थे, इधर चले गए थे और ये तो अब याद आ गया। इधर लाइन में लगाओ बाइक्स। सो 4 बज चुके हैं, तकरीबन 10 मिनट रहते हैं और इस टाइम हम तलहाड़ में पहुंच चुके हैं। और ये जो ट्रैक किया बहुत अच्छा था, आपने देखा कि व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे और ट्रैक भी बहुत अच्छा था। सो मेरा और मुर्तज़ा का प्लान बन रहा है कि किसी दिन बारिश के टाइम पे जो है हम इसको असेंड करेंगे। अभी हमने डिसेंड किया, असेंड करेंगे टिल द टॉप एंड देन वी विल गेट बैक। सो गाइस आज के व्लॉग को, इस पार्ट 2 को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो के एंड पे पार्ट 1 का जो है मैं लिंक दे दूंगा, वो भी ज़रूर देखना ताकि लिंक हो जाए और एक पूरी स्टोरी आपके सामने आ जाए। आज की राइड में मेरे साथ मनमोजी एज ऑलवेज एंड अदनान, इन दोनों ने साथ दिया, बहुत मज़े की राइड रही। सो व्लॉग को एंड करने से पहले इनके कमेंट्स भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो अदनान, बेहतरीन, इसके आगे कोई लफ्ज ही नहीं है बेहतरीन के आगे। चलें, गुड हो गया जनाब। हाँ जी, मन मौजी राही एज यूजुअल, अच्छा रहा है। और ऑफ रोड जो है वो आपको पता है, ऑफ रोड की वजह से हम लोग आए हैं आज भी आपके साथ। और जो ट्रैक ये वाला नज़र आ रहा था हमें, मैंने ये डिसाइड किया आपके साथ कि हम इसको किस दिन exactly. बारिश में करेंगे तो बारिश में जो है ना इसका ज़्यादा मज़ा आएगा हमें।
थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और अगर मेरे चैनल पे नए आया हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. सो आई विल सी यू गाइस इन अनदर व्लॉग वेरी सून. टिल देन राइड सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय.